वे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे का आज अचानक तबादला करा दिया गया। आमतौर पर रेलवे में कर्मचारियों के तबादले कोई खबर नहीं होते, लेकिन मानसपुरे के तबादले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि उनका तबादला विशेष कारण से हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों की माने तो पिछले महीने एक आरटीआई का जवाब देते हुए मानसपुरे ने स्टेशनों पर लगे सेल्फी बूथ, जिनमें पीएम मोदी की तस्वीरें और कटआउट लगाए गए हैं, उस पर हुए खर्च की पूरी जानकारी दी थी, और ये जानकारी ही उनके ट्रांसफर का बड़ा कारण बन गई, क्योंकि विपक्ष ने इसी जानकारी को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दें कि मानसपुरे को दो हफ्ते पहले ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलवे सेवाओं को कुशल बनाने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था, और अचानक आए इस ट्रांसफर के आदेश ने उन्हें भी झटका दे दिया। उन्हें ना नई पोस्टिंग की जानकारी दी गई, ना ही ट्रांसफर का कारण बताया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि आरटीआई को लेकर जो जानकारी उन्होंने दी, उसे ही ट्रांसफर का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। जनता का पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसका जवाब देना उन पर पड़ गया भारी। मामले में अपने विचार जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, शहंशाह की रजा, सच का इनाम सजा। ऐसे में ये अहम सवाल सामने आ रहा है कि क्या मोदी सरकार के राज्य में सच बोलने वाले पदाधिकारियों के साथ ऐसा सलूक होता है।